भारत चीन के बीच LAC पर हुई झड़प के बाद भारत सरकार ने हाल ही में 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। इसके बाद भारत में चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की मांग तेजी से उठने लगी है। लेकिन चाइना इंडियन इकोनॉमी में गहराई से जुड़ा हुआ है। चाइनीज कंपनियां इंडियन मार्केट और इसके स्टार्टअप में एक बड़ी इन्वेस्टर है, जिसने न केवल भारत में इन्वेस्टमेंट किया बल्कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक न्यू क्लास क्रिएट भी किया है और न्यू टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद भी की। आज कई चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भारत में 90 से ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। आज हम इस वीडियो में कुछ चाइनीज इन्वेस्टरों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भारत में किया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 10 पर है TR कैपिटल। TR कैपिटल भारत में एक्टिव सेकेंडरी इन्वेस्टर है, जिसका ऑफिस मुंबई में 2018 में ओपन हुआ था। इसका हेड ऑफिस शंघाई और हांगकांग में स्थित है। TR कैपिटल ने फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट, अर्बन लैडर, बिग बास्केट सहित 9 और कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इसने अब तक भारत में $111 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। नंबर 9 पर है हेलाउस कैपिटल। हेलाउस कैपिटल ग्रुप एक चाइनीज ग्लोबल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया फोकस प्राइवेट इक्विटी फर्म है। यह 2005 में चाइनीज बिजनेसमैन ली जेंग द्वारा येल एंडोवमेंट से सीड कैपिटल में $20 मिलियन के साथ स्टार्ट किया गया था। इसका हेड ऑफिस बीजिंग, हांगकांग और सिंगापुर में है। हेलाउस ने स्विगी, उड़ान, क्रेट सहित भारत के 7 कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2014 में हेलाउस कैपिटल ने ऑनलाइन ऑटोमोबाइल कंपैरिजन प्लेटफॉर्म कार देखो में $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया था। नंबर 8 पर है शुनवाई कैपिटल। शुनवाई कैपिटल एक वेंचर कैपिटल है जो मुख्य रूप से चाइना के इंटरनेट इंडस्ट्री में अर्ली टू मिड स्टेज इन्वेस्टमेंट पर फोकस्ड है। इस कंपनी को 2011 में शाओमी के फाउंडर्स ली जून और तक लाई को द्वारा स्थापित किया गया था। इसका हेड ऑफिस बीजिंग, चाइना में है। शुनवाई कैपिटल ने भारतीय स्टार्टअप में फूड डिलीवरी जायंट जोमेटो, सोशल कॉमर्स स्टार्टअप मीशो, मैसेजिंग ऐप शेयर चैट, लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्रेजीबी और लोन टैप जैसे कई स्टार्टअप में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इसने भारत की 17 कंपनियों में $129 मिलियन को इन्वेस्ट किया है। नंबर 7 पर है SAIC मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह कंपनी चाइना की स्टेट ओन ऑटोमोटिव डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका हेड ऑफिस शंघाई में स्थित है। 2011 में इसका नाम शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन से बदलकर SAIC कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। SAIC मोटर पेरेंट कंपनी है मॉरिस गराज की, जिसने 2019 में इंडियन मार्केट में अपना पहला कदम रखा। मॉरिस गराज भारत में लगभग 5,000 करोड़ रुपीज़ 2025 तक इन्वेस्टमेंट करेगा। ब्रिटेन की कार मेकर कंपनी MG मोटर यानी मॉरिस गराज को चाइना की SAIC मोटर ने टेक ओवर किया था। इसके बाद MG मोटर इंडिया ने 2,200 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर जनरल मोटर के प्लांट को एक्वायर किया, जो कि गुजरात के हालोर में स्थित है। नंबर 6 पर है ByteDance। भारत की सबसे लोकप्रिय ऐप TikTok, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा बैन किया गया, चाइना की मल्टीनेशनल इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी ByteDance इसकी पेरेंट कंपनी है। ByteDance को 2012 में जेंग यिमिंग द्वारा फाउंड किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है। मई 2020 तक आते आते ByteDance की मार्केट वैल्यू $100 बिलियन हो गई थी। डॉइन को ByteDance ने डेवलप किया था, जो कि वीडियो शेयरिंग ऐप थी। नवंबर 9, 2017 में ByteDance ने सोशल मीडिया स्टार्टअप musical.ly को $1 बिलियन में खरीदा था। अगस्त 2018 में ByteDance ने musical.ly और डॉइन को कॉम्बाइन करके ग्लोबल लेवल पर सिंगल एप्लीकेशन डेवलप किया, जिसका नाम TikTok रखा गया था। नंबर 5 पर है Xiaomi। Xiaomi कॉरपोरेशन चाइना की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जो कि बीजिंग में 2010 अप्रैल में फाउंड हुई थी। एप्पल, सैमसंग और हुआवे के बाद Xiaomi सेल्फ डेवलप मोबाइल फ़ोन चिप कैपेबिलिटीज़ वाली दुनिया की 4th कंपनी है। पॉपुलर स्मार्टफोन मेकर Xiaomi भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक एक्टिव इन्वेस्टर भी है। इसने शेयर चैट, लैंडिंग स्टार्टअप क्रेजीबी और कुछ अन्य कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Xiaomi 100 इंडियन स्टार्टअप में 6,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अब तक इसने 8 कंपनियों में अप्रॉक्स $61 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। नंबर 4 पर है Tencent। Tencent होल्डिंग लिमिटेड चाइना की मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि 1998 में फाउंड हुई थी। इसका फेमस ट्विन स्काई क्रैपर हेडक्वार्टर Tencent सी फ्रंट टावर शेंजेन नानशान डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
Tencent is another aggressive investor in the Indian startup ecosystem. Tencent ने Flipkart, Swiggy और Ola जैसी कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। चाइना में Tencent एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WeChat को चलाता है, जो कि WhatsApp के बराबर है, और यह गेमिंग एप्स और ई कॉमर्स बिजनेस को होस्ट भी करता है। Tencent ने भारत में खाता बुक, MyGate, नियो सॉल्यूशन, पॉलिसी बाजार और उड़ान जैसे कई स्टार्टअप में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। नंबर थ्री पर है एंड फाइनेंशियल। चाइना की अलीबाबा ग्रुप की वन ऑफ द कंपनी एंड फाइनेंशियल ग्रुप, जिसे पहले अलीपे के नाम से जाना जाता था, आज दुनिया की हाईएस्ट वैल्यूड फिनटेक कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन 150 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। एंड फाइनेंशियल भारत में टॉप चाइनीज इन्वेस्टरों में से एक है। इसने मिलियंस ऑफ डॉलर पेटीएम और स्नैपडील जैसे कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इसने 7 कंपनियों में भारत में 2.7 बिलियन डॉलर के करीब इन्वेस्ट किया है। नंबर टू पर है हुआवे। हुआवे टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन लिमिटेड चाइना की मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर शेंजेन ग्वानडोंग में स्थित है। यह टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड करता है। हुआवे ने 2019 तक भारत में 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक इन्वेस्टमेंट किया है। नंबर वन पर है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर और प्रोडक्शन बेस चेंगवान डोंगवान में स्थित है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और IQOO की पेरेंट कंपनी है। इंडियन मार्केट में ओप्पो, वीवो और रियलमी ने 43% के साथ मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, जो कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक को भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले वीडियो के लिए देखते रहिए HR Guru Info। थैंक्स फॉर वॉचिंग।